नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आईटीबीपी की तरफ से एक रिक्रूटमेंट निकल कर के आई है हेड कांस्टेबल के पद पर। जी हाँ, हेड कांस्टेबल के पद पर किस फील्ड में ये भर्ती है, कितना एजुकेशन मांगा गया है, क्या एज क्राइटेरिया है और सबसे इम्पॉर्टेंट सिलेक्शन कैसे होने वाला, ये सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे इस पूरे वीडियो में। और कितने सीट पर भर्ती निकली है, किस डेट से फॉर्म को भरा जाएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो भर्ती कहाँ से निकल करके आई है, आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स की तरफ से ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जो कि मिडवाइफ के पद पर। ठीक है, तो मिडवाइफ होता क्या है? मिडवाइफ देखिए बेसिकली होता है एक दाई जो महिलाओं को गर्भावस्था के समय उनकी देखभाल वगैरह करती है। एक तरीके के मान लीजिए ये चिकित्सक ही हो गए, छोटा मोटा भाई देख रेख अगर कर रही है। तो मिडवाइफ के पद पर भर्ती निकल करके आई है। अब ये जो भर्ती है ये बेसिकली फीमेल कैंडिडेट को ध्यान में रख करके निकाला गया है और यहाँ पर ओनली फीमेल कैंडिडेट ही एलिजिबल है। क्यों? क्योंकि जो एजुकेशन मांगा गया है वो केवल लड़कियाँ ही कर सकती हैं। आगे बात करते हैं कैसे। हेड कांस्टेबल मिडवाइफ ग्रुप सी लेवल का ये पोस्ट है। जी हाँ, ग्रुप सी का ये भर्ती है और टोटल सीट की बात करेंगे तो 81। ऑल ओवर इंडिया से कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। बेसिकली ये अर्धसैनिक बलों का जो भी रिक्रूटमेंट होता है ये ऑल इंडिया बेसिस पे निकलता है, तो आप कहीं के भी हैं कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकता है। 81 सीट है टोटल। आगे बात करेंगे किस किस कैटेगरी में कितना कितना सीट है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है फॉर्म कब से भरा जाएगा। तो फॉर्म 9 जून से ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई होगा और अभी इसका शॉर्ट नोटिस जारी हुआ। शॉर्ट नोटिस मतलब इसके बारे में एक आपको बता दिया गया है कि ये फॉर्म आने वाला है, ये भरा जाएगा। डिटेल नोटिफिकेशन जैसे आएगा उस पर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। लास्ट डेट है 8 जुलाई, मतलब लगभग लगभग एक महीने का समय है और फॉर्म आपको भरना है ऑनलाइन के माध्यम से। ऑनलाइन के माध्यम से भरेंगे और फी की अगर मैं बात करूंगा ना तो भाई 0 रुपया, कोई चार्ज नहीं है फॉर्म भरने को लेकर के। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपके पास ये एजुकेशन हो जो मांगा जा रहा है तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा, क्योंकि फ़ी नहीं लग रहा और बहुत अच्छा चांस भी है एक होने का। एज की बात करेंगे तो 18 से 25 साल, मतलब कब होना चाहिए तो 8 जुलाई, फॉर्म का लास्ट डेट है 8 जुलाई 2023। इस डेट तक अगर आपका 18 साल कंप्लीट हो जा रहा है और 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जनरल कैंडिडेट के लिए बात कर रहा हूँ। जी हाँ, अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करेंगे तो 9/6/1998 से लेकर के 8 जुलाई 2005 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है तो भर सकते हैं। रहा बात छूट की, तो एज में छूट आपको मिलेगी। एससी एसटी वाले को 5 साल की है, ओबीसी को 3 साल की। मतलब एससी एसटी वाले इस फॉर्म को 30 साल तक अगर आपकी एज है तो भर सकते हैं और ओबीसी वाले की बात करेंगे तो 28 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज कट ऑफ आपका यही रहेगा 8 जुलाई 2023। ये तो हो गया एज की बात। आगे बात करते हैं एजुकेशन की। तो देखिए, एजुकेशन बहुत सिंपल सा मांगा गया है। अगर आप क्लास 10th पास आउट हैं, जनरली 10th सभी कोई करता है, तो ये पहला वाला ओके। दूसरा में थोड़ा सा ट्रिपिकल है, ANM ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ। ANM का जो कोर्स होता है ना ये केवल महिलाएं ही करती है और ये मेडिकल फील्ड से रिलेटेड होता है। मिडवाइफ का एक कोर्स होता है ANM, तो इसको केवल लड़कियां ही कर सकती हैं, इसलिए मैंने पहले आपको बताया कि यहाँ पर केवल फीमेल कैंडिडेट ही आवेदन कर सकती है। अब ANM होता क्या है? ANM देखिए एक मेडिकल का कोर्स है। अगर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो अभी बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट अपना नोटिफिकेशन जारी किए हुए हैं। जैसे आप झारखंड में देखेंगे, बिहार में भी देखेंगे, बहुत सारे स्टेट में, उत्तर प्रदेश वगैरह में भी अभी नर्सिंग का बहुत सारा कोर्स करवाया जा रहा। अगर आप भी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी इसके लिए अलग से वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ जा करके भी देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी मांगी जाती है ANM GNM का कोर्स करने के लिए। बहुत डिटेल में मैंने उसमें बताया हुआ है। तो अगर आप ANM किए हुए हैं तो आप एलिजिबल हैं और आपका स्टेट या इंडियन नेशनल मेडिकल काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। ठीक है, तो कहीं भी एक रजिस्ट्रेशन आपका जरूरी है और ANM जरूरी है। 10th तो पास आउट होंगे तभी ANM कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एजुकेशन में जरूरी है और अगर लड़कियां आपके पास हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं किस किस कैटेगरी में कितना कितना सीट है। 81 सीट जो है उसमें जनरल के लिए 34 सीट रखा गया है, ओबीसी को 22 सीट दिया गया है, एससी को 12 है, एसटी को 6 है और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 7 सीट रखा गया है। मतलब लगभग लगभग हर कैटेगरी में अपना रेशियो के अनुसार यहाँ पर सीट रखा गया। सैलरी की बात करेंगे तो 25,500 से लेकर के 81,100,
मतलब अच्छी खासी सैलरी है यार, 40-40 हज़ार के ऊपर आराम से सैलरी बनेगी, मस्त एकदम आराम से जॉब करना है, और वो भी भाई डिफेंस का फील्ड है तो बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट है 7वां वेतन आयोग के अनुसार। अब बात करते हैं सिलेक्शन कैसे होने वाला। सिलेक्शन का प्रोसेस जो है ना वो 5 स्टेप बोला गया है, और 5 स्टेप में पहला PET होता है जिसको फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट कहते हैं, मतलब आपके अंदरूनी क्षमता की जांच होती है, तो PET, उसके बाद PST हो जाता है, फिर उसके बाद आपका एक रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर रिटन के बाद आपका एक प्रैक्टिकल जो आपका ANM है, तो भाई इसमें प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, आपको आता भी है कि नहीं आता है कि केवल सर्टिफिकेट किए हुए हैं। उसके बाद आपका एक डिटेल मेडिकल होता है, मेडिकल तो आपको पता ही है। तो PET की अगर बात करेंगे पहला स्टेप, तो 800 मीटर की दौड़ होती है लड़कियों को, 800 मीटर आपको लगभग लगभग 5 मिनट 15 सेकंड से लेकर के 7 मिनट तक में ये दौड़ पूरा कर लेना है। हो सकता है आपको 7 मिनट का समय दे दे, आराम से दौड़ पूरा हो जाएगा। उसके बाद हाई जंप होता है, लॉन्ग जंप होता है, तो लॉन्ग जंप में 9 फीट है और हाई जंप में 3 फीट है, 3-3 बार चांस मिलता है, आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बार अपने आपको जज जरूर कर लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले कि भाई लॉन्ग जंप उतना है कि नहीं है, हाई जंप 3 फीट तक है कि नहीं है, ये सब सारी चीज़ें। PET कंप्लीट, PET होने के बाद PST में अगर बात करेंगे तो हाइट वगैरह, देखिए हाइट और ये सब जो होता है ना, PET PST अगर आपका सब ओके है तभी फॉर्म को भरिए। PST की बात करेंगे तो नॉर्मल हाइट रखा गया लड़कियों के लिए 157 सेंटीमीटर, इतना जनरली होता है 157 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है जनरल कैंडिडेट में, तो आराम से भर सकते हैं। अगर SC ST की बात करेंगे तो 150 तक 152 तक आपकी हाइट है तो आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई PET PST। रिटेन का जो सिलेबस होता है ना वो आपके ट्रेड से ही रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, वो आपको उस समय बताया जाएगा क्या क्या आपका सिलेबस होगा। वैसे मैं मार्क्स की बात करूँगा तो लगभग लगभग 100 नंबर का ये रिटेन एग्जाम होता है, जिसमें आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा, तो रिटेन आपको क्वालिफाई कर लेना है। अगर ये सब कुछ क्वालिफाई हो जाता तो आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा आपका इससे रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद मेडिकल होगा जो फुल बॉडी मेडिकल होता है, अगर मेडिकल क्लियर होता है तो फिर आपका एक हेड कॉन्स्टेबल का पोस्ट जो होता है, जो इसके लिए आप इतने मेहनत किए हैं, एक सीट आपकी बन जाती है, और अगर एक सीट आपकी बनती है तो इतनी सैलरी 25,500 से लेकर के 81,000 के बीच में सैलरी चालू हो जाती है। इस तरीके की सबसे पहले भर्ती का नोटिफिकेशन अगर आपको प्रॉपर हमेशा चाहिए ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, फिर नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।